उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के अब्दुल रहमान पार्क में मुहर्रम को लेकर के बैठक की गई। इस दौरान ताज बाबा ने हमसे बातचीत कर क्या कहा, आइए सुनते हैं, समझते हैं और पूरा मामला जानते हैं। मुहर्रम और दुर्गा को लेकर, यहाँ दुर्गा पूजा को लेकर, गणेश चतुर्थी उसको लेकर बैठक शांतिपूर्वक कैसे त्यौहार मनाया जाए, जो कोविड-19 की बीमारी इससे कैसे निपटा जाए, हमारे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और आला अफसर उसमें सब लगे हुए हैं। उसी क्रम में मुहर्रम हमारा पड़ रहा है, 10 दिन का त्यौहार मुहर्रम। इस बार मुस्लिम समाज ने अपने होशो हवास में तय पाया गया है कि इस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ऐसा कोई भी जुलूस रोड पर नहीं निकालेंगे जिससे आम जनमानस को खतरा हो या कोई बीमारी या किसी प्रकार के लक्षण, तो उसके बचाने के लिए हम लोगों ने पूरे तरीके से अपने 10 दिन के जितने भी प्रोग्राम थे वो सिर्फ बैंड कर दिए हैं। कोई जुलूस हमारा रोड पर नहीं रहेगा, सिर्फ ताजिया घरों पर रखी जाएंगी। इसके अलावा हम लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं है, और सिर्फ प्रोग्राम जो है लोगों को जान बचाना, लोगों की मदद करना, लोगों गरीबों मजलूमों को बचाना और इस कोविड की बीमारी से ज़्यादा लोगों को दूर रखना। तो ताज बाबा की बातें सुनकर क्या पूरा माजा समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ मुहर्रम कमेटी के लोग क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं मोहम्मद आसिफ मुहर्रम कमेटी का महामंत्री की एजेंसी हूँ। मैं पूरे जिले वासियों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो 10 दिन का मुहर्रम का कार्यक्रम था तो पूरे तौर से सारे जुलूस और ताजियादारी जो है घरों के अंदर की जाएगी और कब्रिस्तान ले जाने की अनुमति जिला प्रशासन और शासन की तरफ से जो आदेश आए हैं उन सबसे मैं पूरे जिले वासियों से अपील करता हूँ कि अपने घरों पर रखें। जब शासन का आदेश आएगा उसके नियमानुसार करबला जाएंगी ताजिया, उससे पहले कोई न जाए, अगर जाता है तो वो खुद स्वयं भुक्तभोगी होगा, उसके बाद साथ सरकार और कानून के रखवाले उसे गलत तरीके से पेश आएंगे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए मोहित कुमार की रिपोर्ट। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की तमाम खबरें आपको मिलेंगी सिर्फ ABN News 24 पर।